देखो जी सही की बात तो ऐसी है, अगर वो डॉक्टर होते तो सही है, अगर वो डॉक्टर ही नहीं है तो किस लिए सही है? लोगों की आप सेवा करने कहते हैं, सेवा की चीज भी है जी, सारा काम फ्री हो सेवा की चीज है जी, सारा काम फ्री हो लग रहा है, तो सेवा की चीज भी है जी। सकते हैं असली मुद्दा क्या है, हिंदुस्तान लेकर बाहर कुछ सरदार खड़े, वो कह रहे कोई ऐसी बात नहीं, बात को तूल दिया जा रहा है केवल। देखिए एक बार मैं आपको शख्स आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये शख्स आप देख सकते हैं जो कि तिरंगा फाड़ते हुए, देखिए फर्श पर डाल दिया जाता है, तिरंगा फाड़ कर नीचे फेंक दिया जाता है। वो फोटो दिखाओ, दूसरा फोटो दिखाओ, ये देखिए ये शख्स है, ये वो शख्स है जिस प्रकार से देख लीजिए तिरंगा फाड़ते हुए, और सिख युवक है जो इस तिरंगे को फाड़ रहा है, और किस प्रकार से फिर से एक बार भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीर एक युवक के द्वारा, हालांकि निर्मल कुटिया का बताया गया। मैंने पूछा नहीं फाड़ा क्यों, पूछा है कि अपने फाड़ा क्यों है, कहता ऐसे ही फाड़ेंगे, सिख युवक था, पुलिस को बुलाया था आप लोगों ने। प्रकार से भड़क जाता है मामला, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, और जो युवक यहाँ पर, जो सिख युवक यहाँ पर खड़ा हुआ था गाड़ी में, व्यक्ति भी जिन्होंने देखा है कि झंडा फाड़ने के बाद डस्टबिन में फेंका गया, और उसके बाद जब यहाँ इस अंकुश ने ऑब्जेक्शन किया तो क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या किस लिए फाड़ा, किस लिए फाड़ा है? मैंने बोला अगर फाड़ भी दिया उठा के मेरे को वापस दे दो डस्टबिन से, उन्होंने डस्टबिन से उठा के ना दिया, ऐसे फाड़ के वहाँ फेंक दिया, उठा के लेके आया। और यहाँ पे पेशेंट थे, यहाँ पे जिन्होंने देखा है शायद यहाँ से फाड़ के फेंका है। अच्छा वो यहाँ सेवा करने आते हैं, क्या करने आते हैं? हॉस्पिटल में एक इंसान भी, एक स्टाफ भी अगर ये बोल देना हम इनसे गुस्सा है सेवा से, था कुछ लोग जो कि यहाँ पर काम करते हैं उन्हीं ने देखा, फोटो भी खींचा है, और जिसके बाद काफी विवाद भी होता है, और उनके इधर ले आओ झंडा, जी हाँ भारत का झंडा जो कि हर हिंदुस्तानी की आन बान शान होता है, उसको किस प्रकार से फाड़ दिया जाता है, और उसी चीज को लेकर बवाल भी होता है। देखिए सभी लोग इकट्ठा हो जाते वे बंदे पुलिस लेगी। हाँ जी। अच्छा कितने बंदे, कितने बंदे थे? दो बंदे थे सर, दो बंदे थे। हाँ, एक संदीप डिल्लो है और एक दूसरा नाम में डाल रहा। आपको कैसे पता निर्मल कुटिया के ही बंदे हैं वो? ये पीछे का बंदा है, पीछे का बंदा निर्मल कुटिया का है। अच्छा हाँ जी, निर्मल कुटिया। तो यहाँ किस लिए आते, किस लिए हैं वो? ये जो कहते हैं जो हम सेवा करा, सेवा करा, सेवा की कोई बात नहीं है। किसी ने फोटो खींचा है उनका फाड़ते हुए, फाड़ते हुए फोन फोटो खींचा करेंगे, इनको नहीं करना। जो डॉक्टर है तो इलाज तो वही करेंगे। इसको पता है किसके पेट में दर्द है कि छाती में दर्द है, आके डॉक्टर की उस कुर्सी में बैठेंगे। वो तो एक अलग काम है, झंडे से क्या दुश्मनी। हाँ, वही तो बात है ना, लेकिन कैबिन भी किस लिए बनाया है? कैबिन किस लिए बनाया भाई, कैबिन किस लिए है? ये आज फर्स्ट टाइम मैटर नहीं है, ये तो चलो बात तो बात बढ़ गया भाई। कैबिन किस लिए, अगर सस्ता है तो सस्ता का काम कर लो ना, आपसे थोड़ी ना क्या डंडे बांट देंगे। इंडिया का झंडा कोई आदिवासी छोटा मोटा देश नहीं है, इंडिया का झंडा कोई तिरंगा मारी शान है जिसके लिए हम जीते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुत्ता बिल्ली आके फाड़ देगा और बाद में चिपका देगा, ये क्या मतलब हुआ? पहले वो अच्छा नहीं था तो उसको उतार के अंदर रख लेते, डस्टबिन में क्या मतलब था फाड़ के अंदर का? गाली गलौज की, गाली गलौज की, गाली गलौज की है। किसके साथ की है गाली गलौज? पुलिस आई थी आपके साथ? हां जी, पुलिस आई थी लेगी, पुलिस दोनों को लेगी, एक को लेगी सर। क्या मामला है? सुबह ये फ्लैग लगा हुआ था इनके यहाँ पे, ये नीचे पड़ा हुआ था, सुबह यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि सर देखो मैं ड्यूटी था तो डिस्ट्रॉय मैं नहीं कर सकता था, लगा दिया। इन्होंने झंडा फाड़ा है, ये किन्होंने फाड़ा है?
जोई निर्मल कुटे वाले, सर नाम तो मैं जानता क्या इनका, ठीक है सर। कोई संस्था के लोग, संस्था के लोग हैं कोई सर? पता नहीं कौन है, हम नहीं जानते हैं कौन है, ठीक है सर। इन्होंने ये झंडा फाड़ के डस्टबिन में फेंका, उसके बाद ऑब्जेक्शन किया कि आपने फाड़ के डस्टबिन में क्यों फेंका, आप इसको डस्टबिन से उठा दीजिए, उठा के मेरे को दे दो। कहता मैं नहीं उठाऊंगा, फाड़ा क्यों, अच्छा नहीं लग रहा मैं इसलिए फाड़ा। भाई साहब झंडे के लिए हमारा ऐसा ही होता है। हाँ जी, मामला कितने बजे का है? 12:30 बजे का सर, ये 12:30 बजे का। इसकी शिकायत की है किसी को? सर शिकायत कर चुके हैं, लेके उनको पुलिस। कितने बंदों को लेके गई है पुलिस? एक बंदे को लेके गई है सर। क्या नाम क्या आपका? अंकुश नाम है सर मेरा। क्या कहना चाहेंगे? अस्पताल में झंडे का अपमान का मामला सामने आया है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लड़के ने तिरंगे झंडे को फाड़ के डस्टबिन में गिर दिया जी। तो मौके पे पुलिस गई थी और एक युवक को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ कर रहे हैं। कंप्लेंट अभी तक प्राप्त नहीं है किसी की। तो कौन जिसको हिरासत में लिया, किस संस्था से जुड़े हुए ये लोग? ये जी निर्मल कुटिया है करनाल के अंदर, वहाँ पे सेवा करता है लड़का, हरभजन इसका नाम है, सेक्टर 9 करनाल का रहने वाला है। तो इसके अलावा और कोई जानकारी मिली है अभी इस मामले में? नहीं, फिलहाल कोई जानकारी नहीं, कंप्लेंट कोई आई नहीं अभी तक। और जैसे ही इसकी पूछताछ कर रहे हैं तो उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी कार्रवाई की।